सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टेक नमस्ते को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आप ही के फेवरेट चैनल बिजनेस बूस्टर में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग करी थी लेजर नैनो एस की, तो दोस्तों आज हम चेक करेंगे कि इस डिवाइस को यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये लास्ट तक देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी भी होगी क्योंकि इसमें हम चेक करेंगे कि डिवाइस को यूज कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर तो आप स्मार्टफोन यूज करते हो फ्रीक्वेंटली, तो आपके लिए ये डिवाइस यूज करनी बहुत ही सिंपल है। इस डिवाइस में हम अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी हमें इसको सेल करना होगा, यहाँ से हम एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे और वहाँ पे जाके हम सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डिवाइस को शुरू कैसे करना, स्टार्ट कैसे करना। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि ये डिवाइस कैसे यूज करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ऑलरेडी अपनी अनबॉक्सिंग में बता चुका हूँ कि लेजर नैनो एस डिवाइस जो है वो एक जस्ट पेन ड्राइव की तरह है। तो इसको यूज करना दोस्तों बहुत ही ईजी है। बट ये है कि बड़े ध्यान से आपको यूज करनी पड़ेगी कि आप कोई मिस्टेक ना कर दो ताकि बाद में आप फंस जाओ, क्योंकि जो हमारी एक क्रिप्टो करेंसी है वो एक तरह से कैश ही है, हमारी मनी है, जिसको हम बड़े ही ध्यान से सेव करके इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज जो करना बहुत इजी है, मैं बताता हूँ। जस्ट ये देखिए, इसको ओपन करते हैं, इसके यहाँ पे दो बटन्स हैं, दोनों बटन को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो इसको हम यूज कर पाएंगे। तो अभी ऐसे इसको मैं यूज करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मेरे को जो है मेरे सिस्टम के साथ जो यूएसबी कनेक्टेड है उसका जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है वो इसमें डालना पड़ेगा, इससे इसमें लाइट आ जाएगी, मतलब इसको पावर मिल जाएगा। देखिए, राइट दोस्तों, ये आ गया, वेलकम, प्रेस बोथ बटन टू बिगिन, मतलब दोनों बटन को प्रेस करूंगा तो ही मैं इसको यूज कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोनों ये दो बटन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, इंटरेक्ट द कंट्रोल विद, ओके, यूज लेफ्ट एंड राइट बटन टू चेंज द वैल्यूज एंड नेविगेट थ्रू द मल्टीपल चॉइस लिस्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, फिर से डबल प्रेस करेंगे बटन को। अभी इसने पूछ लिया कन्फिगर करना है नहीं करना। ठीक है, राइट साइड में जो टिक आ रही है सही का निशान, अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मैं फर्दर आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ राइट क्लिक करके। ओके, चूज योर पिन। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इसमें पिन अपना चूज करना है। पिन जो है हम अपना वो 4-8 डिजिट का कोई भी रख सकते हैं। दोनों बटन फिर से प्रेस करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। राइट, इसने चूज करने के लिए बोल दिया। अभी 4 डिजिट का पिन रखूंगा सिर्फ आपके लिए टेस्टिंग के लिए। तो मैं सिंपली पिन रख रहा हूं अभी 1234। डबल प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा मैं, 2, फिर से डबल प्रेस करूंगा 3rd पे जाऊंगा मैं, 3, फिर से डबल प्रेस करूंगा तो अगले पे जाऊंगा मैं, 4, दोनों इकट्ठे प्रेस कर दिए। ओके, टिक सही का निशान आ गया। अब फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है मेरे को। डबल अगेन प्रेस, 1, 2, 3, 4, ओके, कंटिन्यू। ओके, 3rd, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, बड़े ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना है, हमारे रिकवरी फेज होते हैं 24, उसको राइट डाउन करना पड़ेगा अपने पेपर के ऊपर, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। डबल क्लिक करता हूँ, इसने फेस मेरे को बताने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, अपना फेस लिखने जा रहा हूँ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ साथ में ताकि कोई मिस्टेक ना कर पाऊँ। 1, 2, डिस्क्राइब, तो ठीक है दोस्तों, डबल क्लिक करेंगे हम, सारे मैंने फेस नोट कर लिए। अभी 4th स्टेप में मेरे से ये रिकवरी फेज जो कंफर्म करेगा, कैसे कंफर्म करेगा, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसने बोला RIOAT 9th नंबर पे, मतलब अभी सिलेक्ट वर्ड 9 पे क्या था, फोक। तो दोस्तों, मैं इसमें से फोक सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूं, फोक। ओके, अभी सिलेक्ट वर्ड नंबर 19 में क्या था मेरे पास यहाँ पे, एलिफेंट, एलिफेंट सेलेक्ट करूंगा तो कंटिन्यू कर दूंगा इसको मैं।
इरेलेवेंट। डबल क्लिक, प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, मतलब मेरी डिवाइस कंफर्म कॉन्फ़िगर होने जा रही है। योर डिवाइस इज रेडी नाउ। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट, इतना ही काम था अभी इसमें। डिवाइस में डबल क्लिक करेंगे, कंटिन्यू हो चुका। डिफॉल्ट अभी देखिए सेटिंग्स इसमें पूछ रहा है मेरे से, डिस्प्ले सेटिंग है, सिक्योरिटी सेटिंग है, डिवाइस की सेटिंग है, असिस्टेंस है, क्विट ऐप। ठीक है दोस्तों, अभी इसका काम करता हूँ। फर्स्ट हाफ हमारा फिनिश हो चुका है, सेकंड हाफ के लिए हम चलते हैं हमारे सिस्टम पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है ledgerwallet.com/start। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा दोस्तों, आप डायरेक्ट इसे लॉग इन कर सकते हो। आपको नीचे आपकी डिवाइस को सिलेक्ट करना है, ledger nano s, कॉन्फ़िगर माई डिवाइस पे क्लिक करना है। फिर आपने जब आप कॉन्फ़िगर माई डिवाइस पे क्लिक करोगे तो इस पेज में दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके डिस्कवर द डाउनलोड ऐप्स इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, जिससे आपने ये जो वॉलेट है आपके डाउनलोड कर लेंगे। वॉलेट कौन से डाउनलोड करनी है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ इस पेज में अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे ledger wallet bitcoin एंड altcoin मोस्ट ऑफ द जो इसमें अवेलेबल है, इथेरम, रिपल, ledger manager है, ledger authenticator, ये दोनों इसमें से कंफिग्रेशन के लिए कुछ ऐप्स हैं, ये हमारे वॉलेट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, ledger manager डाउनलोड करना है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें ledger manager डाउनलोड करना है। क्लिक करना है इसके ऊपर, गेट दिस ऐप, इंस्टॉल नाउ। और दोस्तों आप जब भी इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, और आप याद रखिएगा वो गूगल क्रोम जो है वही यूज़ करना है ब्राउज़र, और उसी पे हो पाएगा। जब आप क्लिक करोगे ये पेज खुला, ऐड टू क्रोम, आप याद रखिएगा कि आपने ओरिजिनल जो इनकी साइट पे जाना है, ये इनका लोगो है, ये वाला वॉलेट आपने ledger manager इंस्टॉल करना है। कुछ गलत मत डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि आपकी मनी का सवाल है। ऐड ऐप, जब भी आप ऐड ऐप पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये अभी डाउनलोड करेगा। देखिए ये डाउनलोड करना शुरू कर दिया। जब भी ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, आपका जो गूगल क्रोम है यानी कि आपका जो एक्सप्लोरर है, इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए इसके बाद दोस्तों हमने डाउनलोड करना है बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन। बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन कहते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। सिस्टम के लिए लेंगे हम, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ गई मेरे पास सिस्टम के लिए, मोबाइल के लिए। आप देखिए iOS एप्पल के लिए, एंड्रॉयड के लिए, और ये है आपका क्रोम एप्लीकेशन के लिए यानी कि आपके विंडोज क्रोम एप्लीकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, सेम वैसे ही ऐड टू क्रोम, ऐड दिस ऐप, अगेन वही सेम प्रोसेस होगा। चेकिंग कर रहा है अभी ये, देखिए ledger wallet। ठीक है दोस्तों, अभी हम सबसे पहले अपना ledger manager ओपन करते हैं। ledger manager जब हम ओपन करेंगे दोस्तों, ledger manager देखिए खुल चुका है। ओके, ledger manager में दोस्तों क्या चीज है, ledger manager में ये बता रहा है कि कौन कौन से कॉइन्स हम इसमें रख सकते हैं। देखिए बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, डैश कॉइन, डॉजी कॉइन, ईथर, ऐसे मैं नीचे लेके जाता हूँ, आपको लिस्ट दिखाता हूँ, रिपल, स्टैटिस, जेड कैश, एलियस, ये सारे कॉइन्स आप इसमें रख सकते हैं, नो कॉइन, टेलर, डिजिपाइट। ठीक है दोस्तों, ये कॉइन्स हम इसमें रख सकते हैं। अभी क्या होगा, आपकी जो डिवाइस है, डिवाइस में आप मैक्सिमम जो है 4 वॉलेट को रख सकते हो, मतलब जो आपकी पेन ड्राइव टाइप जो डिवाइस है उसमें जब भी आप किसी वॉलेट को इंस्टॉल करोगे, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन तो हमने कर लिया था, अभी मेरे को डॉजी कॉइन करना है। डॉजी कॉइन करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी डिवाइस के साथ ये इंस्टॉल होगा, कनेक्ट होगा, और मेरी डिवाइस में सेम डॉजी कॉइन का आइकन आ जाएगा, ऐसे ही बिटकॉइन का आइकन मेरे इस पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं वापस। चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आपने, अभी बहुत सारे लोग तो
आईटी में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो उनको होगा कि हम सेकंड टाइम कैसे आप करेंगे। हमने क्या करना है, क्रोम को ओपन कर लिया, मैं दोबारा से बोल सकता हूँ। आपने क्रोम को ओपन किया, जब भी आपने क्रोम को ओपन कर लिया, ये रहा ऐप्स, ऐप्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐप्स हमारी पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं लेजर जो हमारा है बिटकॉइन लेजर वॉलेट जो है हमारा वो ओपन करता हूँ। ओके देखिए, अब इस ये अभी ओपन नहीं है, ओपन कैसे होगा, सेम यही चीज़ मुझे अपने डिवाइस के ऊपर भी ओपन करनी पड़ेगी। मैं पिन डाल दूँ, मैंने 5 मिनट हो गए यूज़ नहीं करा, मेरी डिवाइस लॉक हो चुकी है, पिन मैंने डाल दिया, ओके अलो लेजर मैनेजर, ओके सेम मेरे को बिटकॉइन सेलेक्ट करना है, दोनों बटन प्रेस करूँगा मैं वैसे ही डिवाइस के। देखिए इसने पूछ लिया बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश, मैंने बिटकॉइन ओपन करना है। अभी लेक्सी सेगमेंट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट होगा वो खुल जाए। ठीक है दोस्तों, अभी जो ओपन हो रहा है ये है मेरा बिटकॉइन का वॉलेट, इसमें मैं बिटकॉइन रख सकता हूँ, मैं रिसीव कर सकता हूँ, मैं सेंड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये रहा वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, यानी कि इसमें मेरा पैसा सेव रहेगा। बैलेंस देखिए जीरो बता रहा है, अभी जीरो डॉलर, जीरो BTC, अकाउंट में जाएंगे, सेंड की ऑप्शन, रिसीव की ऑप्शन, सेटिंग की ऑप्शन, सेंड में जाएंगे दोस्तों। चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए हमारे अकाउंट अभी जीरो बैलेंस है। अभी जब भी आप किसी को बिटकॉइन सेंड करोगे, तो अगर आप हाई एंड फास्ट कंफर्मेशन रखते हो तो थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगेगी आपकी, बट आपका बिटकॉइन बहुत जल्दी ही आगे रिसीव होगा आप जिसको सेंड कर रहे हो। स्टैंडर्ड नॉर्मल में फीस कम, टाइम ज़्यादा, लो में फीस और ज़्यादा कम, टाइम और ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये था बिटकॉइन का वॉलेट। ऐसे ही दोस्तों, अगर जैसे मैंने सेकंड डॉजी कॉइन इंस्टॉल करा, डॉजी कॉइन का अगर मैं ओपन करना चाहूँ वो कैसे ओपन होगा वो बता दूँ। सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए, बट फिर से आपने क्या, ये जो वॉलेट है ये बिटकॉइन एंड आल्टकॉइन सब के लिए है, तो मैं क्या करूँगा कि आल्टकॉइन मतलब जो इसमें अवेलेबल है, अभी मैंने डॉजी कॉइन ओपन करा तो मैं लेजर वॉलेट बिटकॉइन इसी को ही ओपन कर रहा हूँ। बट अब क्या करूँगा मैं कि अपनी डिवाइस से मैं डॉजी कॉइन ओपन कर रहा हूँ। देखिए अभी बिगन टू कनेक्ट, अनलॉक द लेजर वॉलेट, डॉजी कॉइन मैंने सेलेक्ट करा, अभी डिवाइस से डबल बटन मैंने दोनों प्रेस किए, अभी इस बार मेरे डॉजी कॉइन का वॉलेट ओपन होगा। समय लग रहा है बट अभी कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये डॉजी कॉइन, डॉजी जीरो, अभी ये जो वॉलेट ओपन हुआ डॉजी कॉइन का, मैंने सेम इसी ऐप को ओपन करा, बट मेरी डिवाइस थी जो उसमें से मैंने अल्टकॉइन जो था मेरा डोजी कॉइन को ओपन करा, तो मेरा डोजी कॉइन का वॉलेट ओपन, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी है यूज़ करना, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही देखा कि हमने अपने डिवाइस को कन्फिगर कैसे करना, फर्स्ट पार्ट डिवाइस को हमने कन्फिगर करना, सेकेंड हमें हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पे आके हमारे जो वॉलेट है उनको इंस्टॉल करना, लेजर मैनेजर के थ्रू हम जितने भी हमारे अल्टकॉइन हैं उन सबको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अगर आपका लेजर मैनेजर ओपन है तो आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा, लेजर मैनेजर को पहले बंद कर लीजिएगा, फिर आपका जो वॉलेट है ओपन होगा। आपने कन्फ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ में, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट में लिखिए, मैं जब भी मेरे को टाइम लगा मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके क्वेश्चन की। तो दोस्तों जब भी आपने किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाना है, यानी कि आपने डॉजी खोला हुआ है, आपने बिटकॉइन कैश में जाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से तो आप क्रॉस को क्लिक करके बंद कर दोगे, बट जब दूसरा वॉलेट खोलने की कोशिश करोगे तो आप खोल नहीं पाओगे। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो डिवाइस है उसमें वो ओपन है वॉलेट आपका, यानी बिटकॉइन कैश आपने पहले खोला था, यहाँ से बिटकॉइन कैश तो बंद कर दिया, बट आपने डिवाइस से नहीं करा था, कोई और वॉलेट नहीं ओपन कर पाओगे। पहले आपको अपने डिवाइस से वो क्लोज़ करना पड़ेगा। वो कैसे क्लोज़ करना होगा, जब आप ओपन करते हो उसके नीचे ऑप्शंस आते हैं, आप एग्जिट क्विट ऐप करोगे तो आपकी डिवाइस से बंद हो जाएगा। क्विट ऐप पे जब आ जाएगी ऑप्शन, तो दोनों बटन प्रेस करोगे तो आपका
वो ऐप बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐप वहां से बंद हो जाएगी, यहाँ से आपका बगल हो गया, आप नया वॉलेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि लेजर नैनो एस को यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है सिस्टम के साथ डिवाइस में, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने चेक कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो बड़े ही इजी वे से इसको भी आप इंस्टॉल कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले जो हमें क्या करना है कि डिवाइस जो है उसको कॉन्फ़िगर करना है। जब डिवाइस कॉन्फ़िगर हो जाएगी उसके बाद हमें सिस्टम में से जाके वॉलेट को इंस्टॉल करना है। और जैसे कि मैंने आपको लेजर मैनेजर में दिखाया कि बिटकॉइन फीचर और अदर ऑल्टकॉइन जो भी इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं उसमें लिस्ट पूरी बताता है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ट्रस्टेड डिवाइस है जिसमें कि आपके सारे कॉइन सेफली आपके पास पड़े होंगे। अगर आपकी डिवाइस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी तो ही इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये यूज़ नहीं हो पाएगा। सेकंड, आपकी एक डिवाइस अगर मिस हो जाती है, किसी थर्ड पर्सन को मिल जाती है, अगर उसके पास फ्रेज जो हमने इसमें नोट करे थे 24, अगर वो उसके पास नहीं है तो उसके लिए ये डिवाइस वेस्ट है, वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आप अगर एक डिवाइस मार्केट से बाय करके नई अपने पुराने फ्रेज के साथ नई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। वो हमने कैसे करना है वो हम चेक करेंगे हमारी अगली वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने ऑपरेट करना सीखा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी इतना काम करने से मेरे को बहुत ज़्यादा और मतलब कह सकते हो एनर्जी मिलेगी इसी से कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जिसमें हम चेक करेंगे कि डिवाइस को रिकवर कैसे करना है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून।